नमस्कार दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर का हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं और उसके दो क्लासेस हमने की हैं। आज हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, लेकिन आज ये क्लास देखेंगे आप, उसके बाद चौथी क्लास भी आपको शाम को मिल जाएगी, जिससे कि जल्दी ये कवर हो जाए। और इसका पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, टेलीग्राम पर आप सर्च करिए आईएएस प्रेप ऑफिशियल, वहां से ये आपका ज्वाइन हो जाएगा और ये पूरा आपको पीडीएफ वहां पर दे दिया जाएगा। इसमें देखिए, ये आगे ऐसे क्वेश्चन हैं और ऐसे 250 प्रश्नों की हमने पूरी लिस्ट बनाई है जो आपको हमको देना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी से लेके लास्ट में आप सितंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां तक का करंट अफेयर हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न आज का। वो 61 नंबर क्वेश्चन होगा, लेकिन वैसे वो पहला प्रश्न है आज के सेशन का। और इसको खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आता है। और शाम को आपको दूसरा एपिसोड भी मिल जाएगा 5 बजे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और दोनों एपिसोड ये आज हो जाएंगे, फिर दो एपिसोड कल करके 2-3 दिन में इसको हम समाप्त कर लेंगे, जिससे आपको रिविजन का टाइम मिल जाए। पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? नई दिल्ली में जो इस साल की गणतंत्र दिवस की परेड हुई, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, उसमें दर्शाया क्या गया था? उसमें दर्शाया गया था राम मंदिर को, है ना। और राम मंदिर को दर्शाने वाली झांकी, उसमें अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ये दिखाया गया था, ये उसकी थीम थी। बजट 2020-21 के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो बजट 2020-21 के लिए ये अनुमानित है 9.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत अगर 21-22 में हम देखें, तो 21-22 में ये 6.8% होगा। ये 21-22 का दिया हुआ है और ये 20-21 का पूछ रहा था 9.5%। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब किए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये लक्ष्य रखा गया था दिसंबर 2021 का, है ना। और चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में इसी के लिए जेनेटिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित भी किया जा रहा था। और पहला मानव अंतरिक्ष प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा, ऐसी उम्मीद रह के हम लोग चल रहे हैं। ग्रैंड असिस्टेंट फॉर ग्रासरूट प्रोजेक्ट, जीजीपी क्या है? तो ये एक जापान की वित्तीय सहायता योजना है। और जापान की जो ये वित्तीय सहायता योजना है, इसमें भारत सहित 100 से अधिक देशों को जापान क्या करता है, बुनियादी आवश्यकताओं, ग्रास रूट की बात हो रही है ना, तो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई एक ये ऐसी योजना है, जिसमें वो प्रोजेक्ट चलाता है, उसमें मदद करता है। और वहां के, जैसे मान लीजिए भारत में हेल्प कर रहा है, तो यहाँ के एनजीओज, यहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ के जो हेल्थ सेक्टर के कुछ काम करने वाले एनजीओज हैं, उन सबको चूज करके और वहां से पैसा देता है, और जिससे कि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम हो सके। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये मार्च महीने में ये घोषणा हुई थी और ये है शरण कुमार लिम्बाले। और शरण कुमार लिम्बाले 2020 का, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किस साल का पूछा जा रहा है, तो 2020 का, 2020 का डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। और ये सनातन, इनकी पुस्तक है सनातन, उस पुस्तक का नाम है सनातन, और इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। और लिम्बाले की पुस्तक जो सनातन है, ये 2018 में ही अभी आई थी। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, 15 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है, 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। बिरला फाउंडेशन का ये पुरस्कार है और 1991 से इसको शुरू किया गया था, बिरला फाउंडेशन का ये पुरस्कार है। वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये रजनीकांत को, 2019 का रजनीकांत को देने की बात की गई, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो रजनीकांत के बारे में आपसे प्रश्न में भी पूछे, वैसे पुराना हो गया लेकिन नहीं पूछा जा सकता, हो सकता है पूछे तो हम देख ले रहे हैं। बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था और बस कंडक्टर के रूप में इन्होंने नौकरी शुरू की थी। उसके बाद में फिर ये जब फिल्मी करियर अपना शुरू किए, तो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, ये सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले एक्टर्स में से हैं और साउथ में तो इनकी पूजा ही होती है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेजबानी कर रहा है भारत,
इंडिया कर रहा है 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी। और ये जो टूर्नामेंट है ये कई जगह पे होगा, मुंबई में, ये अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, अलग अलग जगहों पर इसके टूर्नामेंट होंगे। और ये 20 जनवरी से, अगर कोविड वोविड सब कुछ सही रहा तो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक ये होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों का सेंटर दूर गया है उनके लिए मैं बहुत दुखी हूं और उनके लिए बहुत समस्या की बात है, लेकिन अंतिम सांस तक प्रयास करिए और हर हाल में पेपर देने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक मत करिए, सेंटर ही तो दूर गया है, बाकी तो चीजें वैसी ही हैं। आयोग ने जो किया है वो सही नहीं किया है, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अंतिम कोशिश करेंगे अंतिम समय तक कि आप हर हाल में पेपर दें। गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड की संसद ने अभी माताओं को गर्भपात या जन्म के बाद भुगतान सहित पेड लीव का अधिकार दिया है, और ऐसा भारत पहले कर चुका है। और इस कारण से आप देखेंगे कि भारत के बाद यही इस देश का नाम आता है, इसलिए पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड में 4 में से 1 महिला गर्भपात करवाती है, ऐसा वहां का एक रेशियो निकाला गया, तो देखा गया एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस कारण से ये कानून वहां पर बनाया गया कि उसके बाद इनको पेड लीव दी जाए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इसमें जो पुरस्कार ये दिया गया है ये सिक्किम को दिया गया है। और ये है क्या सबसे संवेदनशील राज्य पुरस्कार? सबसे संवेदनशील राज्य पुरस्कार तो ये सिक्किम को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 1954 में ये स्टार्ट हुआ था, स्टैटिक जीके की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे और वीबी केसकर थे उस समय सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ये दिया जाता है। तो सिक्किम को इस बार संवेदनशील राज्य का पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है ये कौन थे ये आपको जानना चाहिए, और इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध कहां से है? गांधीवादी विचारों को इन्होंने फैलाया है, ठीक है, और गांधीवादी विचार को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है कि हाँ गांधी जी की जो विचारधारा थी उनकी, जैसे 1995 में 125वीं जब वर्षगांठ मनाई गई गांधी जी की, तो 1995 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और गांधी शांति पुरस्कार 2019 का अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे दिया गया है, तो ये सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान के दिवंगत नेता हैं, उनको दिया गया है। तो 2019 का ये सुल्तान सैद अल सैद, कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है, और ओमान के ये नेता है। और 20 का ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई राडार सर्वेक्षण किया? तो ये किया जाएगा ऐसा है। तो हिमालय ग्लेशियर की पहचान करने के लिए भारत ने ये करने का निश्चय लिया है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य होगा वो ग्लेशियर्स का अध्ययन करना, गंगा ब्रह्मपुत्र उपघाटियों में ये सब कैसे ग्लेशियर्स का क्या योगदान है, इन सब चीजों का अध्ययन ये करेगा। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 19 मार्च को ये सूची जारी की गई थी, 19 मार्च को, और इस सूची में भारत का जो स्थान है 149 देशों में बहुत अच्छा नहीं है, 139 है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे टॉप पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो इसमें फिनलैंड है, टॉप पे कौन है, फिनलैंड है। हाल ही में किसने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है? डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट ये कोरोना वायरस महामारी के बीच में एक नागरिकों में सुरक्षित और मुक्त आवागमन के लिए शुरुआत की गई थी यूरोपीय आयोग के द्वारा, द यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। और डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि वैक्सीन जिनको लगाई जा चुकी है, जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है, तो उनके ये सर्टिफिकेट देके जिससे कि वो आसानी से कहीं भी आ जा सके, वो सेफ है। हाल ही में किस देश की संसद ने इच्छा मृत को वैध बनाया? कौन सी देश की संसद ने किया? तो ये स्पेन की संसद थी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 18 मार्च 2021 की बात है, इच्छा मृत को वैध बनाने वाला एक कानून का निर्माण इन्होंने किया,
और मानसिक रूप से बीमार या गंभीर रूप से घायल मरीजों को अपनी पीड़ा को समाप्त करने की यहाँ पर अनुमति दी गई। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इच्छा मृत्यु, या ऐसा तो नहीं है किसी ने दबाव डाला और ऐसा किया जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे नैतिक इसमें पहलू आ जाते हैं, और किसी के सामने ये फैसला करना ये बड़ा मुश्किल होता है। जो बॉडी होती है वहां की, मान लीजिए कि वो इच्छा मृत्यु है या नहीं है, दबाव में तो नहीं की जा रही है, ये सारी चीजें। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, किस भारतीय का संस्मरण है? और ये इंद्रा नुई का नाम आपने सुना होगा। इंद्रा नुई पैप्सिको की पूर्व सीईओ रह चुकी है, और इंद्रा नुई 65 साल की ये इंद्रा नुई, इन्होंने अभी ये अपनी बचपन से लेके जो अपनी पूरी यात्रा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार होने तक की यात्रा, इसके बारे में, जो पैप्सिको की 12 साल तक वो सीईओ रही है, उसके बारे में पूरा एक लिखा। ऐसी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? कौन सा विभाग है? और ये जो विभाग है ये है दूर संचार विभाग। 5G प्रमाण पाठ्यक्रम है, और ये जो पाठ्यक्रम है ये विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं के बारे में है, मतलब उसके बारे में बताया जाएगा, इसे डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ऐसे सर्टिफिकेट या कुछ पूछा जाता है तो चेक किया जाता है कि आप जान पा रहे हैं या नहीं। आप लोग अंतिम समय में सबसे ज्यादा कोशिश करिए कि आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, पुराने क्वेश्चंस देखेंगे, हर टॉपिक पे क्वेश्चंस देख के जाइए, जिससे कि जैसे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप रिवीजन करिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखिए, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन देखने की जो बात है वो फायदेमंद होती है। तो आप प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज जीएस के लिए है, आप उसको लेके आप देख डालेंगे, एक एक दिन में 3-3, 4-4 टेस्ट कर डालेंगे। और आज भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरे टेस्ट मिलेंगे, 15 टेस्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका पीडीएफ भी मिलेगा, आप पीडीएफ निकाल के या ऑनलाइन, सबसे बढ़िया तो ऑनलाइन है, 40 क्वेश्चन का आप 15 मिनट में टेस्ट 15 मिनट में दे डालेंगे, और व्याख्या सहित आप पढ़ भी डालेंगे। हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में नासा, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और CSA यानी कनाडा स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा किस टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में इसका जो स्थान लेगा, तो यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2021 का सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसको चुना गया है? तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्ष 2021 का यह सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार है, और ये जो पर्यावरण पुरस्कार है ये 2016 में शुरू किया गया था, और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के लिए जो लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं तो उनको ये दिया जाता है, जो लोग कुछ समाधान प्रस्तुत करते हैं, है ना। और जैसे हमारा जो, अब आप समझ ही रहे हैं, जो मिशन चल रहा है सौर ऊर्जा वाला, तो उसी में सब कुछ नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को। किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। तो ये है PV सिंधु, पीवी सिंधु को चुना गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी ये थी ही, और पिछले साल स्विट्जरलैंड के बासेल में इनको विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी मिला था, तो उन्हीं आधारों पर ये दिया गया। जब ये चुने गए थे तब उतने ही जो आधार थे उन्हीं के आधार पर तो चुना जाएगा। 8 मार्च 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो 8 मार्च 2021 को एक तो महिला दिवस मनाया जाता है, ये अब ध्यान रखिए, और इसकी थीम है महिला नेतृत्व COVID-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाओ धान की खेती किस भारतीय राज्य में की जाती है? और बाओ धान जो है ये एक आयरन से समृद्ध, आयरन से फुलफिल ये राइस होता है, और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, वहां पर इसकी खेती की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि USA को इसकी एक खेप भेजी गई थी, लाल चावल, रेड राइस के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो तभी ये चर्चा में आया था। हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 125वीं जयंती मनाई गई? तो ये मुरारजी देसाई की मनाई गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये चौथे PM थे हमारे यहाँ के, 1977 से 1979 तक ये गद्दी पर बैठे रहे प्रधानमंत्री की, और 29 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ था। 4 साल पे इनका बर्थडे आता था, बचपन से आप पढ़ते चले आए होंगे।
और ये बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई इन्होंने की और फिर कलेक्टर भी रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया, एसडीएम जैसे आप बनना चाह रहे हैं, और उसके बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने। ऑपरेशन ग्रीन को किस वर्ष लॉन्च किया गया? ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च हुआ था 2018 में, और भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत टमाटर प्याज और आलू, टमाटर प्याज और आलू इनके बारे में क्या किया, इनके इनके साथ इसके अलावा जल्दी खराब होने वाले जो 22 और कृषि उत्पाद हैं उनको शामिल करने की बात की। तो इस कारण से ये चर्चा में आया, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसको लॉन्च किया गया था, जैसे ऑपरेशन फ्लड जो दूध से रिलेटेड था, ऐसे ही इसको भी ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था कि सब्जियों के बारे में, यानी कि एक कुशल मूल्य श्रृंखला का निर्माण हो जाए और फसल की बर्बादी ना हो, किसानों को अच्छा लाभ मिले, इन सब के बारे में इसमें विचार की गई थी, विचार किया गया था। अगला जो प्रश्न है, द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स नो बैन एक्ट किस देश से शुरू किया गया है? फिर से किस देश में फिर से शुरू किया गया है? पहले चल रहा था, बाद में फिर शुरू हुआ है ये, तो ये अमेरिका में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको डेमोक्रेटिक सांसद जो वहां के हैं उनके द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इसको प्रस्तुत किया गया, और इसमें उद्देश्य क्या है? मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकना, तो उसको समाप्त करने की बात इसमें की गई है। अमेरिका से रिलेटेड है ये, मत भूलना। किस देश ने हाल ही में अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? तो ये आर्कटिक उपग्रह जो लॉन्च किया निगरानी, ये रशिया ने लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रॉस कॉस्मोस, और रॉस कॉस्मोस जो है, रॉस कॉस्मोस ने अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह ये लॉन्च किया है, पहला है इसका, जलवायु और पर्यावरण की है, निगरानी करेगा। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन किया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम गुलबर्ग में 26 फरवरी 2021 को शुरू हुए, और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गुलमर्ग कहाँ है? गुलमर्ग कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो माइकल सोमर जो है, माइकल सोमरे और माइकल सोमरे या सोमर दोनों लिखा जाता है, ये न्यू गिनी के, पापुआ न्यू गिनी जो है उसके पहले पीएम थे, पापुआ न्यू गिनी के पहले पीएम थे, और अभी उनका निधन हुआ है। ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता के तौर पर इनको पापुआ न्यू गिनी में जाना जाता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा व्यय अमेरिका ही करता आया है अभी तक, वही इस बार भी है। 1.8 ट्रिलियन डॉलर को सैन्य खर्च ने 2020 में छू लिया, पिछले साल की तुलना में ये और बढ़ गया है। सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश अमेरिका है, और उसके बाद में जो स्थान आता है वो चाइना का आता है, चीन सेकेंड स्थान पर हो जाएगा और अमेरिका जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को 2021-22 से बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया? पहले 21-22 तक ही इसको चलना था, अब 25-26 तक ये निर्णय ले लिया गया है कि आगे तक ये चलेगा, और वित्त मंत्रालय को भी इसके लिए बताया गया कि भाई पैसा वगैरह दो, बिना वित्त के तो कुछ होना नहीं है। अंतिम प्रश्न हम इस क्लास का, इस एपिसोड का डिस्कस करेंगे, लेकिन शाम को आपको एक क्लास और मिलेगी 5 बजे, और ये क्लास अभी आप देख लीजिए, 5 बजे उसका इंतजार कीजिएगा, वो मिल जाएगी आपको, और इसको खूब ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति के पास ये क्लास, जिनको ये एग्जाम देना है जीआईसी का, पहुंच जाए। और बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो 6307281212 पर हमसे कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले लीजिए, और वहाँ टेस्ट सीरीज आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये है 2030। 2030 उत्तर प्रदेश का एक अलग से करंट अफेयर, 80 प्रश्नों का हमने डिस्कस किया है, 50 मिनट के लगभग का वो वीडियो है, उसको एक बार आप ऐसे चला के देख लीजिए, लीड लगा के आराम से सुन लीजिए, सारे प्रश्न आपके उसमें, लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर सब कवर हो जाएंगे। तो 2030 तक पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। एक ब्रुसेलोसिस रोग भी होता है, तो उससे भी मतलब मुक्त कराने का, खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराने का
ये अभी केंद्रीय जो सॉरी स्टेट बजट आया था 21-22, उसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर देंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहें।